नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीताज बालकनी गार्डन में। तो आइए सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं हमारी बालकनी पर। इसमें ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो मेरे कटिंग से लगाए हुए हैं, और जो भी प्लांट कटिंग से, ये सारी कटिंग्स हैं जो मैंने फरवरी में लगाई थी। तो इतनी गर्मी पड़ती है यहाँ पर कि ये अभी तक नहीं ज़्यादा ग्रो हो पाए हैं, लेकिन ये चल गई हैं तो ये बारिश में अच्छे से ग्रो करेंगी। तो ये देखिए, फूल भी दिखाती हूँ मैं आपको मेरी बालकनी में जो भी खिले हुए हैं अभी। ये है गुड़हल का, और ये है बुगनविला। बुगनविला में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो बुगनविला के अलग अलग कलर के आप चाहें तो फूल, अगर आपको बहुत पसंद है तो देखिए, बुगनविला में, हर बुगनविला प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए रेड रेड कलर के फ्लावर खिले हुए हैं इसमें। अगर आपको पसंद है फ्लावर्स तो आप बुगनविला की लगा सकते हैं, तो बहुत ही इजीली फ्लावर देता है बुगनविला। और इसमें फ्लावर कैसे चाहिए आपको, मतलब कैसे आप पा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है बुगनविला के लिए भी। ये है मिर्ची का प्लांट। तो आज हम, जैसा कि टॉपिक है, तो आज हम मिर्ची के पौधे और पुदीने का जो मैं प्लांट लेकर आई थी छोटे छोटे, तो वो मैं आपको रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। ये मुझे कहीं मिल गए थे खेत में, तो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ छोटे छोटे। तो मैं इस बास्केट में ये प्लांट लगाऊंगी। इसमें मैंने कोको बास्केट, वैसे हल्की हो तो ही अच्छा होता है, तो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में इसको लगाने वाली हूँ मैं। और पुदीने के लिए बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी अगर बनती है तो पुदीना बहुत अच्छे से चलता है, बहुत जल्दी फैलता है वो, क्योंकि अंदर ही अंदर फैलता है। देखिए, इसमें मेरे वो सॉइल थी पहले की, बास्केट तैयार थी तो मैंने निकाल दी है, और इस बास्केट में पानी डालते ही पूरा पानी निकल जाता है। तो मैं ये जो जूट का कट्टा है इसको काट कर इस बास्केट में नीचे लगा दूँगी, जिससे इसमें मॉइस्चर बना रहेगा और ठंडक भी बनी रहेगी गर्मी में। पुदीनों को ठंडक की बहुत ज़रूरत होती है, तो पानी भी जल्दी से निकलेगा नहीं इसमें से, तो मॉइस्चर बना रहेगा मिट्टी में, और ऊपर से अच्छी खासी धूप लगनी चाहिए और नीचे मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। तो ऐसे माहौल में पुदीना बहुत अच्छे से ग्रो करता है। देखिए, पुदीना मैंने ऐसे रख दिया, मैं इसको मिट्टी में लपेट के, मतलब जड़ें अच्छे से मिट्टी में बांध के, और उसके बाद लेकर आई थी इसको। तो ये देखिए, रात को, कल रात को लेकर आई थी, तो इसको मैंने इसमें लगा दिया है। ये देखिए, रात भर ही अच्छा रहा, मैंने थोड़ा पानी दे दिया था इसको, और बस ये देखिए इसमें लगा दिया हमने। अच्छे से पूरी सॉइल चारों तरफ से डाल देंगे दबा के, और बहुत हल्की सॉइल है ये, और इसमें ये देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैंने खाद नहीं मिक्स की है इसमें, जो पुरानी खाद इस मिट्टी में होगी वही है इसमें, और दूसरी नहीं डाली है मैंने। बस अब इसको अच्छे से पानी दे देंगे, और ये देखिए चारों तरफ से पानी बहुत जल्दी इस बास्केट में से निकल जाता है, इसीलिए मैंने इस कट्टे को नीचे लगाया है। और ये जूट का कट्टा है तो इससे ठंडक बनी रहेगी इस मिट्टी में, और ये बहुत अच्छे से पुदीना चलेगा। तो इसको मैं दो चार दिन सेमी शेड में ही रहने दूंगी, बाद में इसको टांग दूंगी मैं बास्केट को। अभी तेज़ धूप में नहीं रखूँगी, जिससे जड़ें एक बार इस सॉइल में सेट हो जाएँ दो चार दिन, और जब सेट हो जाएंगी फिर मैं इसको ऊपर रख दूंगी, ऊपर टांग दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं अच्छे से दे दूंगी। बस जो मैं अपने गार्डन में काम करती रहती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो नए पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको अगले जो वीडियो बनाऊंगी मैं तो वो भी आपको देखने को मिल सकेंगे। और ये देखिए दूसरा, ये मैंने गमला निकाला है, इसमें मैं मिर्ची का प्लांट लगाऊंगी। इस
उसमें दूसरा पौधा था, तो नर्सरी से जो हम पौधे लाते हैं उनकी मिट्टी कुछ तो बहुत ही ख़राब होती है, तो मैंने उसको पूरे का पूरा रूट बॉल निकाल कर अलग कर दिया है और इस मिट्टी की गुड़ाई करके अच्छी सॉफ्ट हो गई। मिट्टी तो सॉफ्ट ही थी, देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो पा रही है। तो ऐसी मिट्टी हमें अपने पौधों के लिए बनानी चाहिए जो इतने दिनों बाद भी हम निकालें तो बहुत ही भुरभुरी, ये देखिए चिपकती नहीं है और बहुत अच्छी मिट्टी बनी हुई है। इसमें हम लगा देंगे मिर्ची का प्लांट। मैं 2 से 3 मिर्ची के प्लांट लेकर आई थी, तो तीनों मैं एक बार तो इसी में लगा दूंगी क्योंकि मुझे लगाना था, रात को लेकर आई थी तो फिर सुबह जल्दी मैंने कहा लगा देती हूँ क्योंकि फिर पूरे दिन ये पड़े रहेंगे तो ये ख़राब भी हो सकते हैं। ये देखिए इसको यहीं रख लिया मैंने और ये तीनों के तीनों प्लांट इसी में साइड करके मिट्टी, इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है तो मुझे दूसरी मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं गमले में ही रहने देती हूँ। जो मिट्टी जो पौधा ख़राब हो जाता है तो फिर मैं रूट बॉल बाजार के लाए हुए, तो रूट बॉल बहुत ईजिली निकल जाते हैं। देखिए ये पूरा निकाल के मैंने इसे रख दिया। छोटे छोटे पौधे हैं तो देखते हैं चलते हैं कि नहीं, पर ये मैं लेकर आई थी तो ये इसको मेरे को लगाना था, बीज से लगाए हुए थे पर इस मौसम में थोड़ा लेट हो गई तो बीज ग्रो नहीं होते हैं इतनी गर्मी में, पर मैंने ये देखिए लगा तो दिया है और देखेंगे दूसरे दिन तक अगर ये चल जाते हैं 2-3 दिन शेड में रखेंगे हम, इसको धूप में नहीं रखेंगे, जड़ें सेट हो जाएंगी उसके बाद हम इसे धूप में थोड़े पहले 2 घंटे की धूप देंगे। ऐसे करते करते हम बढ़ाने लगेंगे टाइमिंग जो धूप का होता है, मैं ऐसे ही करती हूँ तो ऐसे में ये सेट हो जाएगा तो अच्छे से चल जाएगा। बाकी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो भी मैं डेली अपने गार्डन में काम करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी, अगर आप नए हैं गार्डनिंग में तो आप भी देख कर ये काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मैं रीपॉटिंग या कोई नया प्लांट लगाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो इसलिए मैं ये काम करती रहती हूँ। कभी कटिंग्स लगाती हूँ, बारिश का वेट कर रही हूँ, जब भी बारिश आएगी तब बस कटिंग्स लगाने शुरू कर दूँगी।